अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ दोपहर का लंच बनाने। चलो, ये देखिए मैंने पूरे बर्तन वॉश करके रखी हूँ और अभी मैं अपने लंच की प्रिपरेशन करूँगी। आज मैं लंच में दाल बनाने वाली हूँ। एक चम्मच नमक, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच थोड़ी सी डालें, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डेढ़ टमाटर रफली चॉप और ये कि छोटा मीडियम साइज का कांदा है। ये कुछ ग्रीन चिली है। अभी मैं इसे डब्बू के बॉयल आने तक मैं ये वाली दाल बनाने वाली हूँ, अक्खी मसूर। इसे मैं 7-8 घंटे लाने तक पकाऊंगी। और ये देखिए साइड में मेरे चावल का पानी बॉइल हो रहा है। चलो अभी अंदर जाके देखते हैं अहद क्या कर रहा है। अहद क्या हो रहा है? आ जाओ आ जाओ, मम्मा के पास आओ। मैं क्या हो रहा है? पाव बनाओ तू। अड्डू लुक या अड्डू कितने सोना है इसको। चलो मैं इसको सुला देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। आपको व्लॉग बनाना है? हाँ, आपको व्लॉग बनाना है? ओ माय गॉड, कैमरा टूट जाएगा कैमरा। आपको व्लॉग करना है?
नहीं 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 आप छोटे हो अभी। अभी मैं अपनी दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल है और ये चार लहसुन के टुकड़े और पांच छह ड्राई रेड चिली। पहले मैं इसमें लहसुन डालूंगी। लहसुन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें ग्रीन रेड चिली डाल दूंगी। ये देखिए मेरी दाल कितनी अच्छे तरीके से घुल गई है। हमने इसमें 8 मिसल्स लगाए थे। अभी मैं इसमें रेड चिलीज डाल दी हूँ। रेड चिली को हमें बैक नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। अभी मैं ये सलाद बना रही हूँ कांदे का। ये दाल चावल के साथ में बहुत अच्छा लगता है। आज का लंच एकदम सिंपल है, दाल चावल विद सलाद। Thank you.
अभी बज रहे हैं शाम के 8:30 और मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज हम डिनर में गवार फली बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये 2 टमाटर ली हूँ और एक बड़ा कांदा और ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। और यहाँ पर मैंने अपनी गवार फली अच्छे से वॉश करके रखी हूँ। अब मैं ये भी वॉश कर लूँगी। गई है, मैं इसमें ये रफली चॉप टमाटोज डाल दूंगी। टमाटो के साथ ही साथ मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। मैं इसमें 1 छोटा सा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। दो चम्मच कोरिएंडर पाउडर। एक चम्मच हल्दी पाउडर। फिर मैं ये थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2-3 मिनट भूनना है। अभी हमारा मसाला भूनते हुए 2-3 मिनट हो गया है। अभी मैं इसमें ये बीन्स डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर बीन्स डाल दी हूँ। मैं इसमें 1 ग्लास पानी डालूंगी। अभी मैंने इसे ढक्कन लगा के रख दी। हम इसे 3 मिसल तक पकाएंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी मैं ये पानी ड्राई करके इसे अच्छे से भूनूंगी। और यहाँ पर एक साइड में मैंने अपने राइस रखी हूँ बॉईल होने के लिए। ये देखिए, हमारी बीन्स बहुत अच्छी तरीके से बन गई है। पूरा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अभी मैं गैस ऑफ कर दूंगी और यहाँ पर मैं साइड में दाल बॉइल कर रही हूँ। अभी मैंने आटा गूंथ के रख दी हूँ। अभी जल्दी से मैं रोटी बनाऊंगी, फिर हम डिनर करेंगे। यहाँ पर मैंने आहत को नाइट ड्रेस पहना दी हूँ, है ना? आपने नाइट ड्रेस पहन लिया ना? आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अभी हम लोग दोनों जाके सोएंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।